हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन नेचर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने गार्डन का सबसे बेहतरीन रोज़ आप सबों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, जुमेलिया आपके सामने है। इस प्लांट को मैं लास्ट ईयर भी आपको शो किया था और आप सबों ने देखा था और काफ़ी तारीफ भी किया था मुझे। मुझे इस प्लांट को दिखाने में आपको बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि इस प्लांट के साथ मैंने कुछ इस साल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कारण से इसे फ्लावर आने में कुछ दिन समय लग गए, यानी ये थोड़े से लेट ब्लूमिंग किए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी ये जब ब्लूमिंग पे आए हैं तो ये सभी को पीछे छोड़ दिए हैं। मैं तो जुमेलिया को अपना गार्डन का रानी मानता हूँ, और इसके कलर और इसके एज देखिए, इसके शेप देखिए, फ्लावर के सभी टॉप क्लास है, 100 में 100% है। कहीं इसके आप कहीं पॉइंट इसको काट ही नहीं सकते हैं। और जुमेलिया एक दोस्तों हेवी ब्लूमर प्लांट है। जब इसमें फ्लावर आते हैं तो पूरे भर के फ्लावर आते हैं, और इतने फ्लावर आते हैं कि मन भर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जुमेलिया दुनिया का इतना माना हुआ एक प्लांट माना गया है, क्योंकि जुमेलिया वर्ल्ड क्लास वैरायटी है। और इंडिया में जब से ये आए हैं, ये तहलका मचाए हुए हैं। बहुत सारे नर्सरी में इसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ज़्यादातर समय ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं। सिर्फ इसके खूबसूरती और फ्लावर के लास्टिंग और इनके कलर देखिए दोस्तों, सर्दी के समय तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके कलर आते हैं, पर अभी स्प्रिंग के मौसम चल रहे हैं और स्प्रिंग में भी मुझे यही देखना था कि इसके कलर कैसे आते हैं। इसके कलर बेहतरीन आए हैं दोस्तों, कलर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और फ्लावर के जो गेटअप है, शेप है, वो भी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, ये प्लांट मेरे पास करीबन 2 साल हो रहे हैं अभी, और पिछले साल भी ये ज़बरदस्त ब्लूम किए थे और मुझे एक प्राइज भी ये प्लांट मुझे दिलाए थे। इस साल मैं इसे थोड़ा सा कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट करने के चलते दोस्तों ये थोड़ा सा लेट ब्लूमिंग किए और मन भर गए। अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप इसके नज़ारा देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, गुच्छे में कितने फ्लावर आते हैं। कभी कभी ये तो इस तरह से बिहेवियर करते हैं कि लगते हैं कि ग्रैंडीफ्लोरा वैरायटी है, पर ये ग्रैंडीफ्लोरा नहीं है दोस्तों, एचटी है और डच वैरायटी के रोज़ है, और कट फ्लावर में भी जाते हैं ये। कट फ्लावर के तो ये राजा है, बेहतरीन है कट फ्लावर के। और इसी तरह दोस्तों, अगर आप जुमेलिया अभी तक ऐड नहीं किए हैं तो जुमेलिया ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब जुमेलिया खिलेंगे तो सारे प्लांट एक तरफ और जुमेलिया एक तरफ रहेंगे। और ये देखिए, कुछ दिन पहले इसके खिले हुए फूल, अभी भी इनके कितने सुंदर इसके सेफ है। तेज धूप होने के चलते भी थोड़े थोड़े कलर फेड होते हैं, लेकिन जुमेलिया को मैं देख रहा हूँ, इसमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आ रहे हैं और इसके खूबसूरती बने हुए हैं, और बिल्कुल कप शेप में आते हैं फ्लावर, और फोलिएज भी इसका बेहतरीन है। बड़े बड़े डार्क ग्रीन पत्तियाँ हैं, और आप अगर सुबह उठ के इस फ्लावर को देख ले तो आपके दिन अच्छे होने ही हैं, और मनमोहक इसके कलर है। तो इसी तरह देखिए दोस्तों, जुमेलिया मैं इस साल थोड़े से लेट आपके पास लेके आया हूँ, पर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आप सबों को इस प्लांट को शो कर पा रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि आप भी इसे देखकर बहुत खुश होंगे। तो इसी तरह दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा आगे भी और अलग अलग फ्लावर लाने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा हो तो एक लाइक शेयर कीजिएगा, और उन दोस्त वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।